देखो थोड़े भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ, थोड़े भी दो कान मेरे भी दो कान, थोड़े भी दो पैर मेरे भी दो पैर। जनरली मैं यह कहना चाहना कि सारे इंसान सेम ही होंगे आ, पर कुछ लोग दुनिया के बहुत खास होंगे, बहुत स्पैशल होंगे आ, जिन्हों दुनिया सारी उम्र याद रखती है। मैं सोनू दसूँगा एक खास पांच संकेत जिहड़े खास लोगों के बैच होंगे, जिहड़े स्पैशल लोगों के बैच होंगे आ। कितें तुसीं उन्हां खास लोगों के बिचों तां नहीं कि तुहानू पता ही ना होवे। एक खास जिहड़े पांच संकेत बहुत सालों की रिसर्च तो बाद पता लगे सी कि ये सिर्फ खास लोगों के शरीर ते ही पाए जाते हैं। जेकर पांच संकेतों के बिचों कोई भी थोड़े शरीर के उत्ते हैगा तो समझो तुसीं कोई आम इंसान नहीं, बिल्कुल स्पैशल इंसान हो। नंबर पांच ते हैगा जी लैटर एक्स ऑन योर पाम, मतलब थोड़े हाथ के उत्ते हथेली के उत्ते एक्स बनया होया। जिहड़े लोग पाम रीडिंग नूं जानदे आ, पाम रीडिंग की हिस्टरी दे विच एक गल खुल के सामने, अलैगजेंडर द ग्रेट वो भी पाम रीडिंग नूं करदे सी और अपनी पूरी प्लैनिंग अगे दी वो अपनी हथेली नूं देख के ही करदे सीगे। उन्हां दे हाथ ते बनी हुई सीगी एक एक्स। ये एक्स बंगलादेश, इंडिया, नेपाल ये देशों के लोगों के बच्चे ही बनी होंगी है। जिन्हों के हाथों उत्ते एक्स होंगी है वो इन्ने ज़्यादा हाई इंटेलीजेंट लोग होंगे आ, पर उन्हां नूं आपदे बारे ये पता ही नहीं होंगे कि इन्ने ज़्यादा इंटेलीजेंट हैं। एक गल मैं थोनू नाल दी नाल होर दस दिना, अलैगजेंडर द ग्रेट के नाल नाल इब्राहिम लिंकन के हाथ से भी एक्स सी। जे तुहाडे दोवें हाथों उत्ते एक्स आ तां समझो तुसीं जीनियस हो, जीनियस। थोड़ा कोई जवाब नहीं दुनिया से, तुसीं एक खास लोग हो, स्पैशल अरबां दी भीड़ दे विच्चों। बस तुसीं इन्ना समझ लो कि थोड़े अंदर इन्नी ज़्यादा हाई इंटेलीजेंट, इन्नी ज़्यादा पावर आ कि तुसीं सोच भी नहीं सकते गे। नंबर चार ते है जी अगला हैगा जी राइस्ट बैंड ऑन रेस्ट, मतलब थोड़े जिहड़ा गुट आ, गुट के उत्ते एक नाड़ खड़ी हुंदी है। जदों तुसीं आपदे गूठे नूं ते चीची नूं मिलाउंदे आ, मतलब एक नाड़ी खड़ी हुंदी है थोड़े बांह दे उत्ते, गुट दे उत्ते जदों तुसीं आपदे गूठे नूं ते चीची नूं मिलाउंदे आ, जेकर ये खड़ी हुंदी है तां तुसीं रेयर हो, बिल्कुल जीनियस हो, लाजवाब, थोड़े इंटेलीजेंट आ दुनिया के बच्चे। पर जे थोड़े चीज़ नहीं होंगी, मतलब वो नाड़ी नहीं उठती, तो फिर तुसीं एक आम इंसान आ। वो गल अलग आ कि तुसीं इस चीज़ नूं महसूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पर थोड़े कोल असीम शक्ति है, थोड़े कामयाब होने दे 200% चांस हन। तुहानूं कामयाब होने तो, अमीर होने तो कोई नहीं रोक सकता गा। ये होना एक रेयर निशानी है, बहुत घट लोगों के होंदा है। पूरे संसार दे विचों सिर्फ ते सिर्फ 3% लोगों के यह नाड़ उठती है जदों अपने चीची के गूठे नूं मिलाउंदे आ। बस तुसीं एक गल पन्ने बन लो कि थोड़े विच अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अज नहीं तो कल तुसीं जिंदगी दे विच कामयाब जरूर होवोगे, थोनू कोई नहीं रोक सकता गा। नंबर तीन ते हैगा जी गोल्डन ब्लड, मतलब कि सोने रंगा खून। तुसीं ये सोच के हैरान हो कि सोने रंगा खून तक कदे सुने नहीं। सोने रंगा खून हुंदा है क्योंकि मेरा नाम है प्रोजेक्ट पिजडम। तुसीं गूगल करो हुणे गोल्डन ब्लड। ये ब्लड वाले सिर्फ तो सिर्फ 40 लोग इस दुनिया के बच्चे मौजूद हैं, और जे थोड़ा यह ब्लड हैगा तो समझो थोड़े बच्चे अलौकिक शक्तियां हैं। तुसीं एक परम आनंद हो, तुसीं एक परम आत्मा हो। गोल्डन ब्लड होना जेकर थोड़ा नहीं है तो कोई गल नहीं, ये बहुत बहुत रेयर है। अगे हैगा जी नंबर दो। अगला हैगा जी फुट शेप, मतलब पैर की शेप, मतलब कि पैर पांच तरह के होंगे। जेकर मतलब पंजां दे विच मैं तुहानूं दसदा पांच किहड़े तरह के होंगे हैं। इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक, जर्मैनिक, सिल्टिक, ये पांच तरह के होंगे हैं। ये फोटो में जो तुसीं शेप देखते हैं पैरों दी, जे थोड़े पैर बिल्कुल इजिप्शियन आ तो बहुत सोशल इंसान हो, लोगों नाल गलबात करन दे विच तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आउंदी गी। तो जेकर तुहाडा पैर रोमन लोगों की तरह है तो समझो तुसीं बहुत लॉजिकल इंसान हो, बहुत तर्कवादी इंसान हो, तुहाडी बुद्धि बहुत तेज चलती है जेकर तुहाडा पैर रोमन लोगों की तरह है। जेकर तुहाडा पैर ग्रीक लोगों की तरह तो तुसीं बहुत शर्मीले इंसान हो, पर तुहाडी बुद्धि बहुत हाई है जेकर तुहाडा पैर ग्रीक लोगों की तरह है। जेकर तुहाडा पैर जर्मैनिक आ तो समझो तुसीं एक नॉर्मल इंसान हो, जिहड़े डाउन टू अर्थ रहिंदे आ। अते जेकर तुहाडा पैर सिल्टिक टाइप आ तो तुसीं समझ लो मैथ वर्गियां चीज़ां दे विच, जिहड़ियां कॉम्प्लीकेटेड चीज़ां दे विच बहुत
तेज हो तुसी। और इन्हों पंजां दे विचों जेकर तुहाडा पैर रोमन जां ग्रीक है तो समझो तुहाडी बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई है और तुसी थोड़ी जी मेहनत करके भी जिंदगी दे विच बहुत कामयाब हो सकते हो। जेकर ये पैर होने के बावजूद भी थोनू लगता कि तुसी कामयाब नहीं हो तो थोड़ा इंतजार करो, ये जरूर रंग लियाउणगे। ये बहुत बड़े रिसर्च का हिस्सा है, तुसी सबर करो, थोड़ी जी मेहनत ही थोनू बहुत कामयाब बनाऊगी जिंदगी दे विच। नंबर एक तो हैगा जी, तुसी अपने हाथ वल देखो, तुसी अपने हाथ सज्जे हाथ नू उपर वल करो। देखो जेकर थोड़ी अंगूठे वाली साइड की उंगल जिहड़ी उच्ची आ तां तुसी बहुत बुद्धिमान इंसान हो, बहुत हाई आईक्यू हो। जेकर थोड़ी चीची वाली साइड की उंगल बिचाली उंगल नाल उच्ची आ तां तुसी एक नॉर्मल इंसान हो, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब इन्ने भी नहीं नॉर्मल हो, मीडियम आ थोड़ा मतलब रिस्पोंस। और जेकर थोड़िया चीची जी मतलब मिडल फिंगर आ जी बिचाली आ, बाकी दिया दो उंगलां बिल्कुल सेम उहदे बराबर आके ढुक दियां तां बहुत बहुत मुबारक थोनू मैं कहूँगा, तुसी जीनियस हो। मैं कहना तुसी की आ, थोड़े विच किन्नी पोटेंशियल आ, किन्नी ताकत आ, किन्नी पावर आ, किन्ना थोड़ा ब्रेन हाई है, तुसी सोच भी नहीं सकते। बस तुसी इस नूं इस्तेमाल करना है, कामयाबी थोड़े मूहरे पई आ। तुसी जे गोल्डन ब्लड नूं छड्ड के जे बाकी चार चीज़ां भी थोड़े विच हैगियां ना, मैं कहना लाजवाब इंसान हो। तुसी समझ लो वर्ल्ड दे 8 बिलियन दे विचों तुसी 5% लोकां दे विचों आउंदे हो। तुसी कमेंट करके दसो कि पंजां दे विचों तुहाडे विच किन्ने साइंस हन, किहड़े किहड़े संकेत पंजां दे विचों तुहाडे कोल हैगे आ। ठीक है जी, मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो विच, देखते रहो प्रोजैक्ट विजडम। जेकर ये जानकारी थोनू पसंद आई है तो अपने दोस्तों नाल जरूर शेयर करो।